मैंने इफेक्ट किया था, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी किया था, राइट? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। नाउ हम करेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अपने पास और हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं उसका, ठीक है, साथ के साथ। एक बार बताओ हाइड्रोलिसिस कौन से आयॉन्स करते हैं भाई? हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट हमने कब पढ़ा था, मतलब किस टाइप के आयॉन्स हाइड्रोलिसिस को परफॉर्म करते हैं? सर वीक एसिड एंड बेस के कॉन्जुगेट्स। अच्छा, तो वीक एसिड और वीक बेस के कॉन्जुगेट, बेस और कॉन्जुगेट एसिड, बरोबर? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, तो एक बार बताओ वीक एसिड जो होता है ना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, वो क्या होता है? वीक बेस ही होता है। जैसे वीक बेस को ट्रीट करते हैं वैसे उसको ट्रीट करते हैं ना, वो जो हमने जुगाड़ मेथड किया था, करेक्ट? हेलो। हाँ सर। अच्छा गाइस एक बार बताओ, नरेंद्र अवस्थी है तुम्हारे पास? क्या तुम में से अभी कोई मुझे वो नरेंद्र अवस्थी की बुक व्हाट्सएप कर सकता है? अभी अभी यस एक सर, प्ले स्टोर पे एक ऐप भी है, गूगल ले सकते हो। प्ले स्टोर पे क्या है? ऐप है सर। उसमें क्या होगा? नरेंद्र अवस्थी की बुक है। अरे बाबा मुझे ऐप वैप नहीं चाहिए भाई, देखो बुढ़ापा आ गया, इतने टेक्निकल टर्म मत यूज किया करो, मुझे तो पता भी नहीं आप क्या होती है, क्या होती है आप? तो भेजिए आपको, एक सेकंड नीचे लोड होती है। ओके एक मिनट, जैसे आता ना मेरे को उसमें से तुमको होमवर्क देना है, कितना कितना करना है, ठीक है? पहले होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद वी विल गो फॉर थियरी पार्ट, ठीक है? स्टार्ट कर लिया था मैंने थोड़ा। सर बहुत दिनों बाद मिले, कौन है ये? ओ माय गॉड, अर्शद कैसा है? सर मिली आपको? हाँ हाँ आवाज आई ना, मिली मिली। मैं दुआ है यार तुम लोगों की, मैं क्या ही होगा मुझे, बस रात को नाइट में जाते हैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो बाकी सब सब ठीक है। बाकी बाकी तो मैं सब संभाल लेता हूँ। गुड इवनिंग नूतन, हाउ आर यू? गाइस दिख रहा है ये? यस। ओके आई जस्ट टेक ऑल द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू डू। सर सीधे ऊपर जो पेज 23 ऑफ 554 आ रहा है ना, उसमें क्लिक करके 200 ऐसे डाल दीजिए, काफी आ गया चार्ट। 300 डाल दीजिए। ठीक है ना, रुक तो जाओ सर, 300 डाल दीजिए, ये थर्मोडायनामिक्स दो चैप्टर बाद है। हां सर। विवेक इज कमिंग। ओके 300 डाल सर, 310 पे है चैप्टर। अरे बाबा ठीक है, देख लेते हैं। आ गया ना सर? आ गया। यस सर आ गया ना, ऐसे आ गया, 310 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है सर, मेरे पास अलग ही था एडिशन। तो इसमें से देख लेना है ना, एनीवेज मार्क ही कर रहे हैं, तो अभी ना तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो सबमिट करना है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है? सर मैंने इसका 60 तक किया हुआ है। रुको यार मैं एक चीज देख रहा हूँ, रुको 20 तक मेरे लाल पीलो हरे नीलो, दो मिनट रुक तो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये RNH2 है ना, ये क्या है भाई?
जिस तरीके से अमोनिया को पानी के अंदर NH4OH बोलते हैं ना, उस तरीके से हाइड्रोजन हटा के सिर्फ अल्काइल ग्रुप डाला हुआ है ना, तो ये भी वैसे ही वाटर के अंदर RNH3OH बोलेंगे, हाइड्रोजन की जगह सिर्फ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी वीक बेस की तरह ही बिहेव करेगा जैसे ये बिहेव करता। तो इसके अंदर मतलब वो मत करना, घबरा मत जाना कि है क्या। गेटिंग इट यस सर। मुझे कुछ कुछ चीजें करनी है तुम्हारे साथ, ठीक है, 2 मिनट दो। ओके अभी ये नहीं करना, लेवल 1 तुमको पूरा खत्म करना है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस लेवल 1। नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारी? परसों है ना, इट सीम्स सैटरडे को। सैटरडे को तो ठीक है, 150 कर देना, इतना हो जाएगा तुमसे, ठीक है। अब एक काम करें, मेरे को ना थोड़ा फील फैक्टर दो। ये क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के सॉल्व करो, देख रहा है ये क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो दोबारा बोल रहा हूँ तुम लोगों को, टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके अंदर सबसे पहले ना ये देखो कि चल क्या रहा है पढ़ने के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो CH3NH2, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया यार ये NH4OH ही है ना, बिकॉज अमोनिया वाटर के अंदर NH4OH होता है। ये भी वैसे ही बिहेव करेगा सबसे पहले, तो ये वीक बेस है, दिमाग खुला। तो वीक बेस का 1.2 मोल्स है और उसका PKB दे रखा है। उसके बाद उसने बोला इस वीक बेस के अंदर मैंने 0.08 मोल HCl डाले और उसके बाद सॉल्यूशन को 1 लीटर तक बना दिया। अब pH क्या होगा सॉल्यूशन का? देखो, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैंने वो बोला, गेटिंग अ पॉइंट। अब जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले चीज क्या क्लिक करी होगी मेरे दिमाग में? सर HCl जो है वो सीधा पूरा रिएक्ट करेगा पहले CH3NH2। हाँ, तो बीइंग अ स्ट्रांग एसिड इट विल रिएक्ट विद दिस बफून फुली, राइट? तो yes, अगर ये H+ लेगा तो ये क्या होता, 1.02 मोल में से कितने मोल्स इसके बच जाएंगे? सर 1.12 बच जाएंगे। ओ, तुम्हें पता है क्या, इसमें मेरे ख्याल से प्रिंटिंग एरर होगा। पूछो क्यों, यहाँ 0.8 ले लो, ठीक है, तो कितने बच जाएंगे इधर? सर 0.4 बच जाएंगे। और यहाँ पे कितने वो बनेंगे? सर 0.8 मोल बन जाएंगे। ये है क्या सर? बफर सॉल्यूशन है। अब जब ये बफर हुआ तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? बफर इक्वेशन सर PKa+ log of base upon acid। वन सेकेंड, बेस और एसिड कौन कौन सा है? इनमें से बेस कौन सा? अरे बेस कौन सा? CH3NH2 और ये एसिड है, राइट? तो PKa कितना है? PKa कितना है? 10.7 प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। एक बार बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम होगा ना कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, तो भाड़ में जा जिसने इसने डाइल्यूट किया, चाहे 5 लीटर से करे चाहे 1 लीटर से करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो, 1/2 आ गया, करेक्ट?
यस तो कितना आ जाएगा पीएच लॉग अगर होएगा ना 10.4 आ जाएगा तो अगर यही चीज मैं अपने दिमाग में सॉल्व करूं तो मेरा काम हो जाएगा ना हाँ सर ये आपने एनएच पर ओएच जैसा ऐसा क्यों बोला बिकॉज़ बेटा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अमोनिया को जैसे ही वाटर के अंदर डालते तो उसको NH4OH बोलते हैं मैंने तुमको पहले ही बोला था कि अमोनिया और NH4OH में कोई डिफरेंस नहीं है सिमिलरली अगर RNH2 है उसको मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो आई विल बी गेटिंग RNH3OH एग्री अंडरस्टूड गाइस अंडरस्टूड यस या बात समझ में आई तो मतलब फर्क क्या पड़ेगा अगर NH4OH भी एक मोल OH माइनस देगा भी OH माइनस देगा सेम ही है ना आर की जगह CH3 लगा हुआ कोई इश्यू इसके अंदर नो सर अच्छा एक बार बताओ एक हाँ सर आप क्या कहते हैं आपने ये फिर से बता सकते हो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी हमने क्या किया वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर डाल दिया है ना अब मेरी बात सुनो ये इसके अंदर है ना एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रूम टेम्परेचर 0.1 मोलर विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम क्लोराइड एंड 0.01 मोलर विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज तो सबसे जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मुझे बताओ मेरे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड डाल रहा है तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है सबसे पहले मैं क्या करूंगा बोलूंगा भाई या करेक्ट आना ये सीएल माइनस कटे ही यूजलेस है एंड NH4OH वीक बेस है तो मेरे पास आई विल गेट अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड करेक्ट Yes, sir, तो जल्दी बताओ पीएच कितना होगा जल्दी बताओ टाइम नहीं है मेरे पास सर 9+ लॉग कंसंट्रेशन का हो गया तो फिर सर 8 हो जाना चाहिए डी ऑप्शन है क्या समझ में आया तो मतलब मेरे को पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए तो काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम दिमाग के अंदर सॉल्व कर सकते हो गेटिंग इट सर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कब नहीं अप्लाई कर सकते थे जब अल्फा नेगलिजिबल नहीं होता मतलब जब के वैल्यू जब के वैल्यू 10^-1 हो 10^-2 हो गेटिंग इट यस तब तो यार बहुत टफ हो जाएगा ना मामला फिर वो लेवल 1 नहीं रहेगा भोमो डन चलो तुम्हें पता लग गया कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना है आई गेस दो नहीं करना पूरा लेवल 1 करना है गेटिंग इट मतलब इंडिकेटर वाले क्वेश्चन अभी नहीं करना है बाकी सारे क्वेश्चन करना है कोई दिक्कत नो सर ओके लेवल 1 सैटरडे तक चाहिए अगर नहीं हुआ तो प्लीज आना मत क्लास के अंदर क्योंकि मैं बाहर निकाल दूंगा अगर नहीं हुआ तो गेटिंग इट हम लोग कहां थे दिख रहा तुमको हाँ तो एक बार बताओ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके साथ हाइड्रोलिसिस भी है मतलब कोई कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड भी होगा इसके अंदर राइट तो एक काम करें सिल्वर एसिटेट ले लेते हैं इफ आई हैव सिल्वर एसिटेट सॉलिड ये डिकम्पोज करेगा टू गिव व्हाट Ag++ CH3CO-, एग्री इसका KSP होगा कुछ और ये जो CH3CO- है ये कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है ये जो CH3CO- है ये कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है सर है कॉन्जुगेट बेस तो ये अगर कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड का है तो ये वाटर के साथ क्या करेगा अरे बोलो क्या करेगा वाटर हाइड्रोलाइज करेगा हाइड्रोलिसिस करेगा तो वीक बेस की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको
तो सी एच थ्री सी ओ माइनस वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट एक्चुअली रिएक्ट्स टू गिव सी एच थ्री सी ओ एच एंड ओ एच माइनस. एनी डाउट इन दैट? No, sir, no doubt. ठीक है, मतलब यू कैन नाउ जस्ट टेल मी, सपोज करते हैं कि इसका सॉलिबिलिटी एस है, तो यार एस मोलर डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा? एस एंड एस मोलर और एस मोलर बनाएगा. तो जब एस मोलर बना तो लेट्स से एस में से ना एक्स रिएक्ट किया, तो यहाँ क्या बनेगा सर? एक्स और एक्स बन जाएगा. कॉमन एन इफेक्ट में क्या करते हैं, ऊपर वाले में भी एस माइनस एक्स हो जाएगा. एग्जैक्टली, जो चीज कम होती है उसको कम कर देते हैं, राइट? समझ में आया? यस सर. एक मिनट, लेट मी आस्क दिस ऑफिशियली. सर ऐड करते हैं कॉमन, जो चीज कम होती है उसे कम करते हैं, जो चीज घटती है उसको घटा देते हैं. क्या क्या क्या, तेरा आवाज हमेशा ना ऐसा लगता है कि मतलब कहीं से आया और कहीं चला गया. सर वो एस प्लस एस माइनस एक्स होना चाहिए, एस माइनस एक्स क्यों हुआ? क्या पूछा उसने? सर एस माइनस एक्स क्यों हुआ? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कॉमन एन इफेक्ट में अगर ये जो एस था, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहा है तो एक्स से कम हुआ ना. रिमेम्बर जब एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स कर रहे थे, तो मैंने कहा था जो चीज कम हो रही है उसे कम कर दो, जो चीज बढ़ रही है उसको ऐड कर दो. तो यहाँ पे ये चीज कम हो रही है ना, इसने इसको कम किया तो यहाँ पे भी कम होगा ना, बिकॉज दोनों सेम कंटेनर के अंदर है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, राइट? हाँ, तो एक बार बताओ. या ग्रेट. तो अब एक बार बताओ, एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स हो गया. ए, ये कौन सा एक्शन शो कर रहा है? पानी के अंदर ओएच माइनस बना रहे हैं, क्या बदतमीजी है, क्या है ये? वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? के बी व्हिच इज इक्वल टू केडब्ल्यू बाय के ऑफ सीएच3सीओ. वेरी गुड. तो बैलेंस कर लो, दो इक्वेशन आएगी, दो वेरिएबल्स है, तो एस इंटू एस माइनस एक्स इज इक्वल टू के एस पी बोलेंगे. ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय एस माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी विच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए. ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल हो गए, तुम सॉल्व कर सकते हो इसको. Yes. चलो आगे चलें. लिख लिया ये? Yes. Yes, sir. Hey everyone, you have written that? Yes, sir. Okay. Now what we'll do? Another case. Okay. Solubility. Hydrolysis. In a buffer. Suppose karo. हमने क्या किया, एक बफर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? ये बफर है, चलो मान लेते हैं ये बफर बना एक वीक एसिड से और उसके कॉन्जुगेट बेस से मिलकर, तो दिस इज द बफर सॉल्यूशन, ठीक है? मान लेते हैं इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, लेट्स से 1 एंड 1, एंड इसका के वैल्यू दे रखा है 10 इज टू पावर माइनस 5.
तो ऑब्वियसली हमको ये पता लग गया पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। कोई डाउट? इधर बेस और एसिड दोनों इक्वल हैं, तो पी एच किसके इक्वल है? पी के ए के इक्वल है। लेट्स से 5 आ गया। कोई डाउट? हेलो? नो सर, कोई डाउट नहीं। तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा 10^-5 है इस मिक्सचर के अंदर, और हमारा बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपना पीएच मेंटेन रखता है ना। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं एक सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल AgCH3CO सॉलिड, एक बफर सॉल्यूशन में जो अपना पीएच मेंटेन रखेगा। बात समझ में आई? तो अब सुनना इसको सॉल्व कैसे करना। या आ गया CH3CO, सबसे पहले सिल्वर एसीटेट सॉलिड डिसॉल्व होगा टू फॉर्म सिल्वर कैटायन एंड एसीटेट आनायन, ये आ जाएगा KSP। देन एसीटेट आनायन विल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस CH3COOH and OH minus. Any doubt? कोई let's say solubility S है, तो S molar dissolve करके S molar और S molar बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे S molar है तो S molar में से X molar react कर रहा होगा, X molar बन रहा होगा और X molar बन रहा होगा। कोई doubt? ये तुम्हारा KB value होगा। Any doubt in this? ये एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स हो गया जो हमने पहले किया था, ठीक है। एक इशू है, बफर चाहता है कि पीएच कांस्टेंट रहे, तो पीएच कांस्टेंट है कितना? 5। तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है 10^-5। यस, सुन रहा हूँ, बोलो सर। द सेकंड वन थोड़ा वो लिखना है। कौन सा लिखना? ऊपर वाला या ये वाला? नहीं नहीं, यही वाला पार्ट पर थोड़ा लिखना है और वो सुनते सुनते वो जंप लो रहा है, इसलिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। 2-10 सेकंड। अब ये पेज समझाओगे क्या बता दे? ओके, नेक्स्ट शूट हम करेंगे संडे को, संडे को, ठीक है। एंड अरे यार, ओके, हाँ गाइस, हो गया सर। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब अभी करता हूँ। ये नीचे का समझ गया, क्योंकि ऊपर भी वही किया था उसके बाद। ओके ठीक है, तो सॉलिबिलिटी हाइड्रोलिसिस ऑफ बफर, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये तो समझ में आ गया ना कि हमने एक बफर सॉल्यूशन डाला, उसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट डाला जिसके अंदर कॉन्जुगेट बेस था जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना पीएच मेंटेन कर रहा था। एग्री? हाँ। तो अब सुनो हमने क्या किया इसमें, पहले इसको डिसोशिएट करवाया। हम ये मान लेते हैं कि इसकी सॉलिबिलिटी एस है, ठीक है। तो एस मोलर डिसॉल्व करके एस मोलर और एस मोलर बना। एग्रीड? अब ये बदतमीज आदमी वीक बेस है, राइट? तो वाटर के साथ अपना बेसिक एक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, तो CH3CO- वाटर के साथ रिएक्ट करके CH3COH एंड OH- बना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB। अंडरस्टूड? तो S था, S में से X रिएक्ट किया, X बना और X बना। कोई इशू उसके अंदर? नहीं। बफर जो एक सॉल्यूशन है ये चाहता है कि यार पीएच है ना वो हमेशा 5 रहे, और हमेशा 5 मेंटेन करके रखेगा, है ना। तो अगर पीएच 5 है तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-5 हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 10^-9। और ये हमेशा फिक्स रहेगा? हाँ। तो भाड़ में गया ये ओएच माइनस, इसकी एक्स की जगह क्या आएगा?
10 रेस टू पावर माइनस 9 बिकॉज़ ये बफर ने मेंटेन किया. अच्छा हाँ सही है. सब फर्क समझ में आया पहले वाले कॉन्सेप्ट और इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर एवरीवन? हाँ इसमें x फिक्स हो गया हमारा. हाँ इसके अंदर हमने x फिक्स नहीं किया बेटा, x वेरिएबल है बट बेस फिक्स किया क्योंकि ये बफर ने फिक्स किया हुआ ऑलरेडी. अंडरस्टूड? हाँ. तो ये आ जाएगा तुम्हारा s इंटू एस माइनस एक्स इज इक्वल टू के एस पी एंड यू विल गेट वन मोर इक्वेशन एज 10 रेज टू पावर माइनस 9 इंटू एक्स डिवाइड बाय s माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी. डन. सर हमें के पहले से पता था क्या? हाँ 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 वो दे रखा है आपने. तो x 10 रेज टू माइनस 9. हाँ क्या क्या? तो वो x 10 रेज टू माइनस 9 है ना. x रेज टू पावर सर x 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 9 है ना. हाँ हाँ x नहीं है 10 टू माइनस 9 बेटा, OH माइनस 10 माइनस 9 है. x कहाँ से 10 माइनस 9 होगा? x की वैल्यू थोड़ा ना 10 माइनस 9 लिखी है. मैंने कहा कुछ भी x की वैल्यू आने तो भाड़ में क्या बेस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बफर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. वो ये चाहेगा कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहे. मैंने x को 10 टू माइनस 9 नहीं लिखा है. गेटिंग इट? सर उसमें तो सॉल्ट बहुत कम अमाउंट में डालना पड़ेगा ना सर. उसमें सॉल्ट बहुत कम अमाउंट में डालना पड़ेगा. किस अमाउंट में? अरे क्या फर्क पड़ता है यार? आई डिडंट गेट इट व्हाई सॉल्ट यू हैव टू पुट इन लेस अमाउंट. ये तो अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से टूटेगा ना. नहीं सर वो 1:10 रेशियो मेंटेन रखना रहता. अरे ना 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 1:10 10:1 तो इस बफर के लिए वैलिड होगा ना जो पीएच मेंटेन कर रहा है. तो 1:1 नहीं डाला ना मैंने तो. अच्छा हाँ समझा समझा ना बेटा. वो तो बफर वाला कॉन्सेप्ट है ना. इस बफर के अंदर ये वाला सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा है. दोनों चीजें अलग है ना. आज क्या है? मार्च है ना? हाँ सर 31st मार्च. सर आखिरी दिन है. क्यों आखिरी क्यों दिन है? मतलब ऐसा क्यों है आखिरी दिन है? सर मार्च का आखिरी दिन है. अच्छा मार्च का आखिरी दिन है. वही मैं कह रहा हूँ. कल अप्रैल शुरू हो रहा है करेक्ट? यस सर. हाँ स्कूल भी ऑफ कोर्स. ये लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है? सर चलेगा स्कूल तो मतलब मई जून के पहले खुलने से रहा. नहीं इस साल बंद है स्कूल. तो पूरा साल? दो साल सर लग तो रहा. सर ऐसा मत बोलो सर. सर बोर्ड्स भी जाएगा ये भी जाएगा सब चला जाएगा सर. अरे नहीं 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 जाएगा किसी को कहीं नहीं जाने देंगे. क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे सर ऑनलाइन में मन नहीं लगता बस हो गया. ओ हां सर. ओ बहुत मन नहीं लगता सर. कल सच में क्लास है या फिर अप्रैल फूल बनाओगे? कल क्यों क्लास होगी भाई? कल क्लास मैंने क्लास बोला है क्या? मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में. मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में तुम वो कर लेना पेपर जो क्वेश्चंस भेजे. और पढ़ाई के मामले में क्यों आप अप्रैल फूल बनाऊंगा यार तुम लोगों को? और वैसे भी तुम्हें बनाने की जरूरत क्या है? राइट बात वो तो है सर. हाँ हाँ क्या अटक क्यों गया यार?
चले आगे. मासूम से बच्चे हो तुम लोग, पता तुम लोग. माँ भी यही बोलती है. क्या क्या ये बोलती है मम्मा कि मासूम से बच्चे हो, चलो जाने दो. सर अब नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती. अब क्या बोलती है सर, सोच लो. ओह शिट यार, रुको इधर सुनो इधर. कुछ भी वो अलग सिचुएशन का अलग अलग बोलती. नहीं नहीं जनरली वो 180 डिग्री फ्लिप मार जाता चीज है. ओके हाँ सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर बिल्कुल. ओके फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन राइट. करो करो तुम मैसेज करो. फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन अच्छा, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन का मतलब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है मतलब? नहीं तुम्हें पता भी, आइडिया भी होता क्या फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन? सर नाम से जितना समझ में आ जाए उतना. जितना फ्रैक्शन प्रेसिपिटेट हुआ. ये तुमने सीबीएसई के अंदर स्कूल में ये नहीं किया क्या? आयोनिक सर वही सर लास्ट में ऐसा भगाया था कि क्या पता किसको पता. ओ देखो ऐसा है कि मेरे पास ना एक अच्छा सा सॉल्यूशन है, ठीक है. इस सॉल्यूशन के अंदर बटा है लेट्स से दो एनियन ले लेते हैं, आई माइनस ले लेते हैं और सी एल माइनस ले लेते हैं, ठीक है. मुझे दोनों एनियन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर और 0.1 मोलर. मुझे ना कुछ ऐसा करना है इस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर चीज के साथ, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ मुझे ना एक कैटायन डालना है, ठीक है, ताकि इनमें से ना एक एनियन ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाए. दोबारा बोलूं? Yes. मुझे ना कैटायन डालना है और मुझे कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से रखना है कि इन दोनों एनियन में से ना एक एनियन ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाए. ओके बात समझ में आई? गेटिंग इट? ए Guys, समझ में आई? तो what is the fractional precipitation means? It is a method to separate ions from mixture of ions by ऑलमोस्ट कंप्लीट कंप्लीट नहीं बाय ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ वन ऑफ द आयन. गेटिंग अ पॉइंट? हेलो यस सर. ठीक है इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन. ठीक है अरे एक बात बताओ, अब एक क्वेश्चन है इसके ऊपर ही, ठीक है. सपोज करो मेरे पास आई, अरे यार क्यों तंग कर रहे हो, मेरे पास आई माइनस है और मेरे पास सी एल माइनस है. तुम्हें पता है जब कोई रेस्टलेस आदमी व्हाट्सएप करता ना तो बहुत अंदर से वो होता है, क्या कहते हैं, इरिटेशन, अननोयंस. हाँ बहुत नोचने का मन करता है.
स्पीड होता है, फिटनेस निकलती है। एक क्या होता है, काश तुम इतना प्रोएक्टिव ना उसमें होते, किसके अंदर जवाब देते समय। हाँ मतलब आई विल बी लाइक सो लकी इन दैट टाइम। यार तो सीन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास AGCL है, KSP ऑफ AGCL दे रखा है तुमको 10^-10, और तुमको ना KSP ऑफ AGI दे रखा है कितना पता है 10^-20। ठीक है, अब चक्कर क्या, तुम्हारे पास I माइनस है और CL माइनस है, और तुमको ना AG प्लस डालना है ताकि इनमें से ना कोई एक पर्टिकुलर आयन एनायन ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। अब सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए I माइनस और CL माइनस को कितना AG प्लस चाहिए। हम क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम में आने के लिए I माइनस को और CL माइनस को कितना AG प्लस चाहिए। हाँ अब एक बात बताओ, स्टेप वन सर, इक्विलिब्रियम में किसको आना है, मेरे को। ये क्या है, अच्छा ओके, अच्छा सुनो ना स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AG प्लस विच इज रिक्वायर्ड टू विच इज रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम फॉर AGCL एंड AGL। ठीक है, कैलकुलेट करें। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, AGCL के लिए AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CL माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब KSP ऑफ AGCL अटेन करेगा तब इक्विलिब्रियम पे आएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, CL माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10^-10। हाँ तो AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए होगा, 10^-9। वेरी गुड, जब AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-9 होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा AGCL किस में जाएगा, इक्विलिब्रियम में, राइट। और यही चीज AGI के लिए कितनी होगी, AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू KSP ऑफ AGI। इतना समझ में आया, तो AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-20। तो AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए ताकि अपना ये मस्त तरीके से इक्विलिब्रियम में अटेन करे, 10^-19। तब 10^-10 पे, सॉरी 10^-9 पे AGCL इक्विलिब्रियम में अटेन करेगा और क्या नाम है, 10^-19 पे AGI इक्विलिब्रियम में अटेन करेगा, एग्रीड। अच्छा अब एक बात सुनो, पता है क्या, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन नाम की चीज सुनी थी तुमने पहले, यस, वो क्या था इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, QC QP था ना, सिमिलरली ना इक्विलिब्रियम क्वेश्चन की जगह की तरह एक आयोनिक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है जो मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, एग्जैक्टली आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एट द टाइम व्हिच इज नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, सॉरी बात समझ में आई, यस। अगर KW भी आयोनिक प्रोडक्ट, वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट है, उसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 298 केल्विन पे हमेशा 10^-14 रहेगा, राइट? राइट, सर आपने लास्ट क्या बोला? मैंने ये बोला कि वाटर के अंदर जो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन था वो एट कहीं पे भी कभी भी KW के इक्वल होगा और हमेशा 10^-14 के इक्वल रहेगा 298 केल्विन पे, राइट? वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अलग है, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट अलग है, ठीक है? हाँ. अभी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट के अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटियन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन एट टाइम टी विच इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम, उसको हम आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं. कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट? अच्छा, जब टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो आयनिक प्रोडक्ट तुम्हारा केएसपी से इक्वल हो जाएगा. हाँ. अब एक बात बताओ, जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी, जब प्रोडक्ट आयोन की कॉन्सेंट्रेशन का केएसपी से ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रिएक्शन गोज बैकवर्ड. कोई डाउट? नहीं. अगर आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी से कम है तो वो सॉल्ट चाहेगा ना, फॉरवर्ड. सॉल्ट ये चाहेगा कि भैया जैसे तैसे करके मैं क्या करूं, अटेन कर लूं, राइट? तो जब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिवन कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हुआ तो इक्विलिब्रियम कम करेगा, ये चाहेगा कि इक्विलिब्रियम अटेन हो, ताकि केएसपी अटेन हो जाए तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड, प्रेसिपिटेशन होगा. अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू केएसपी तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड, यहाँ पे सॉलिबिलिटी होगा. गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे तुम्हारा प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा. गेटिंग इट? और अगर आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी के इक्वल होता है तो क्या होगा भाई साहब, इक्विलिब्रियम अटेंड नो शिफ्ट, इक्विलिब्रियम इज अटेंड नो शिफ्ट. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलें आगे. सर आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी से छोटा हुआ तो क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट अगर केएसपी से छोटा हुआ तो इक्विलिब्रियम चाहेगा ना कि यार प्रोडक्ट ऑफ आयन जैसे तैसे करके केएसपी अटेन कर लें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो और डिसोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ हाँ. तो फॉरवर्ड जाएगा ना? हाँ. और ये बैकवर्ड जाएगा यहाँ पे. गेटिंग इट? यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया. कोई डाउट इसके अंदर? इतना लिख लो देन आगे चलते हैं. लिख लिया? यस. ओके. हाँ, तुमने होली मनाई कल? नहीं. कसम से, मतलब कैसे से हो यार, तुमने होली नहीं मनाई? अच्छी. हाँ, होली कौन नहीं मनाता, मतलब ऐसे काम करता था. एकदम ऐसे मस्त से सोक कर मनाई है सर. क्या मस्त सोक कर होली मनाई है? और वो बोल रहे थे कि कोई पुलिस वगैरह को घुमाएंगे, ज्यादा लोग आए तो फाइन वगैरह लेंगे. अच्छा चलो, एनीवेज मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा सुनो, व्हाट आई एम सेइंग हियर कि मेरे पास दो चेक पॉइंट आए, मुझे ना एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था AgCl के लिए 10^-9 ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए, राइट? और एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को AgI के लिए कितना चाहिए था, 10^-90. कोई डाउट इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए? हैं? अच्छा किया. ओम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. हाँ बताओ, इतना समझ में आया? हाँ सर. अब सुनो ध्यान से,
मेरे पास दो चेक पॉइंट्स हैं. कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं? 10^-19 और 10^-9. करेक्ट. अब चक्कर क्या है, ये है तुम्हारा एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे बढ़ रहा है. तो एक बात बताओ, जब एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-19 से कम होगा तो क्या AgCl और AgI इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे? क्या सर? दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है जहां पे I माइनस और Cl माइनस ये है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर. ठीक है, Cl माइनस को इक्विलिब्रियम में आने के लिए इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, I माइनस को इक्विलिब्रियम में आने के लिए इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. इतना समझ में आया? हाँ. अब अगर मेरे पास जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10^-19 से कम है, अगर ये 10^-19 से कम है तो एक बात बताओ, क्या AgI इक्विलिब्रियम में होगा या AgCl इक्विलिब्रियम में होगा, या दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे? नहीं होंगे. ठीक है, अब जैसे ही मैं इक्विलिब्रियम को ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने लगा एक पॉइंट पे आया जिसमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-19 आ गया. जब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-19 अटेन किया तब कौन इक्विलिब्रियम में होगा? AgCl. तो यहाँ पे AgI विल अटेन इक्विलिब्रियम. एनी डाउट? नो सर. और अगर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या नाम है 10^-19 से बड़ा, तो मैं कह सकता हूँ ना आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AgI इस रीजन में, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AgI इस रीजन में KHP ऑफ AgI से ज्यादा हो जाएगा. Yes, sir. तो बताओ जैसे ही मैं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-19 से बढ़ाऊंगा उसका आयोनिक प्रोडक्ट 10^-20 से बढ़ जाएगा. जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा. तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है. जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो मेरा AgCl इक्विलिब्रियम अटेन कर गया. कोई डाउट? नहीं. उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो AgCl भी क्या करेगा? प्रेसिपिटेट. तो मेरे को कितना मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहिए? What should be the maximum concentration of Ag plus so that one of the anion gets precipitated to the maximum extent? बताओ. देखो बच्चे बोलते हैं कि सर 10^-18 भी रखेंगे तो AgI प्रेसिपिटेट होगा. मैं कहता हूँ मुझे ना ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट करना है उसको, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgI रखने की कोशिश करूंगा. तो व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgI ताकि सिर्फ एक Ag प्लस ताकि सिर्फ एक एनियन प्रेसिपिटेट हो जाए पूरा? अरे बोलो. 10^-9. तो हमने क्या किया, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर दिया. कितना? 10^-9. जब तुमने Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10^-9 मेंटेन किया तो I माइनस क्या करेगा, वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट होना शुरू करेगा. जब प्रेसिपिटेट होना शुरू किया तो धीरे धीरे तुम्हारे पास यहाँ पे AgI कलेक्ट होना शुरू करेगा. राइट? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. तब प्रेसिपिटेट होना शुरू करेगा तो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में से क्या होगा? कम होगा. एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन तो I माइनस का पहुंचेगा ना जब AgI दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन कर ले. तो एक बार बताओ, तुमने ना Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया तो फाइनली क्या होगा? -9 से और ज्यादा क्यों नहीं रखा बेटा? उससे ज्यादा क्या, तो AgCl भी जाएगा ना नीचे और मुझे एक एनायन को प्रेसिपिटेट करना है. राइट? ओके. अब फाइनली क्या होगा?
AGI will attain equilibrium. वो precipitated होना बंद हो जाएगा एक पॉइंट के बाद. तो वो कब होगा? जब Ag plus का concentration into I minus का concentration again 10^-20 के equal हो जाएगा. बोलो हाँ या ना? ओए हाँ या ना? हाँ. तो Ag plus का concentration कितना रखूँगा? कितना रखा हुआ है? 10^-9. तो I minus का concentration कितना बचेगा सब जाने के बाद? 10^-11. इनिशियली कितना था आई माइनस? माइनस 20.1 में से कितना बचा? 10^-11. से आई माइनस का ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो गया. बात समझ में आई? बात समझ में आई? वेरी गुड. डन? लिख लिया? लिख लिया? बड़े फास्ट हो सर. आप भी नहीं लिखा सर? सर किसी ने नहीं लिखा है. किसी ने नहीं लिखा है तो मतलब बोल रहा था ना कोई. ओके लिख लो भाई, लिख लो पहले, लिख लो है ना. तसल्ली से लिख लो. वी आर हेयर. सर आपने होली बनाई? हाँ मैंने बनाई. आप जले पे नमक छिड़क रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आदमी पे नमक छिड़कता नहीं हूँ. सॉल्ट वाटर में डुबो देता हूँ. सर अभी आप HCl डाल रहे हो? नहीं नहीं, HCl नहीं डालेंगे. HCl प्लस NaOH डालेंगे. बोला ना सॉल्ट वाटर है. जल जाएगा तू HCl डाला तो. नहीं ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन अगेन? अनादि तुम्हें क्या सीखना है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन में? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि एक मिक्सचर ऑफ आयन्स में से ना ऑलमोस्ट एक आयन को ना प्रेसिपिटेट करना है. ऐसा प्रेसिपिटेट करना है सिर्फ क्या कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट में वो सेपरेट हो जाए, बस. इसे फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन कहते हैं. इसके इसके अलावा ना एक क्वेश्चन देता हूँ, एल यू विल अंडरस्टैंड इन द अनदर क्वेश्चन, ठीक है? उसमें दोबारा करेंगे एंड देन वी विल डू इट. तुमने कॉपी तो कर लिया ना इसको? जिंदगी कैसी है पहेली है. प्लीज स्क्रॉल डाउन. ओके गुड, चलें आगे. बोलो हाँ. यस सर. अब क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्वेश्चन फाइन कहाँ थे हम लोग? एक सॉल्यूशन है इसके अंदर ना Ag प्लस है और Hg 2 प्लस है. इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1.
मुझे ना क्या करना है, इसके अंदर आई माइनस डालना है, और मुझे ना आई माइनस का वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जिसमें इन दोनों में से ना एक कैटियन ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक है, अब केएसपी दे रखा है तुमको एजीआई का 10^-20, और केएसपी दे रखा है तुमको HG2I2 का 25 ये लो। ठीक है, गेटिंग इट? हाँ, अब मुझे ना I माइनस का वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बताओ जो तुमको डालना है इसके अंदर, और उसके बाद ना मुझे ये बता देना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयॉन्स लेफ्ट। गेटिंग इट? हाँ, ओके बफून्स लिसन, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ताकि केएसपी अटेन हो सके, राइट? कहो हाँ या ना। अरे हाँ है या ना, पांच सब्सक्राइबर्स बढ़ गए एक मिनट में आपके। मैं क्या रहा हूँ तुमको, हाँ या ना? सॉरी, बाद में देख लेना जो, ठीक है? तुम एक बार इधर देखो, कॉन्सेंट्रेट इधर करो। मुझे ना आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है मैक्सिमम जहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है। मैं पहले, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है जहाँ पे ना एक आयन केएसपी अटेन कर रहा है, राइट? तो एजीआई के लिए केएसपी अटेन करने के लिए कितना आई माइनस चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ एजी प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू आई माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-20। तो कितना आया ये? 10^-19। वेरी गुड, अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। अब इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू, एजीआई टू के लिए पहले ना एजीआई टू के अंदर एक पिटफॉल है, पता है क्या पिटफॉल है? Hg2I2 सॉलिड को ना इस तरीके से लिखा जाता है Hg2 2+ + 2I-, getting it? हाँ सर, तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्क्वायर हो जाएगा। Exactly, Hg2 2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? Ksp of Hg माइनस माइनस कितना? 25। अब Hg कितना है? 0.1। तो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 10^-2। अब मुझे बताओ कि तुम I कितना मैक्सिमम रखोगे, तुम्हारे पास दो चेक पॉइंट आए। सर 10^-12। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अगर तुमने 10^-12 रखा तो ये बफून प्रेसिपिटेट होना शुरू करेगा। कब तक Hg प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, कब तक? जब तक ये इतना ना आ जाए। तुमने तो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-12 रखा, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया फाइनली? कितना आ गया? 10^-8। डन। तो मतलब 0.1 से तुम्हारा कितना Ag प्लस बचा? कितना बचा? तो अप्रोक्सीमेटली 99.999% हो गया ना इसका काम, चिल्ड आउट तरीके से। यस सर। ओके, फाइन, अंडरस्टूड। आनंद जी कहाँ गया? यस सर। समझ में आया? यस सर। गुड।
सर आपको यही आंसर भेजा था तो आपने वापस चेक करने को क्यों बोला? तुमने कौन सा आंसर भेजा था, ये वाला? हाँ सर। आज तक 10-12 भेजा तुमने। मैं बोल रहा हूँ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस कितना है? सर आपने आई माइनस मैक्स भी पूछा था ना, तो मैंने पहले पूछा था। अच्छा, ओ ओ ए डन। यहाँ पे सिर्फ एक ही पिटफॉल था कि तुम्हें स्क्वायर लेना पड़ता है यहाँ पे। जिस जिसने नहीं लिया उसने गलती करी होगी, बस बाकी हो गया। अंडरस्टैंड गाइस? अंडरस्टैंड? यस। आगे चलें? हाँ। ओके कूल। हाँ तो तुम्हारा ना मोर और लेस चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है? अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स की। किसकी थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं गाइस? लाइक व्हाट इज इंडिकेटर? कभी 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 देखो तुम्हें पता है क्या, स्कूल के अंदर ना एक 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 डब्बा टाइप वो होता है कमरा, ठीक है? सुनो ना, हर एक स्कूल में होता है, ठीक है? हर एक स्कूल में एक कमरा होता है, उसके अंदर ना उसके बाहर लिखा होता है और यहाँ पे गेट होता है घुसने का अंदर, है ना? तो यहाँ पे काफी चीजें पड़ी होती हैं जिसमें ना लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं खड़े होके, है ना? उसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन करवाना, टाइट्रेशन करवाना। क्या बोलता है? हाँ, तो उसमें ना तुमने ना कुछ इस टाइप का डब्बा देखा होगा, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर एक कोनिकल फ्लास्क रखा होता है, उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर यहाँ पे तुमने क्या किया, एक बायोरेड रख दिया, वो किया होगा बेटा, कौन मना कर रहा है तुमको, अच्छे बच्चे हो, तुमने किया होगा। यहाँ पे एक ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट पता है क्या होता है? ब्यूरेट लगा रहता है, देखा है, उस पे मार्किंग होती है। हाँ, मार्किंग होती है और यहाँ पे रिएजेंट डालते है ना। अगर सपोज करो इसके अंदर तुमने HCl डाला, ऊपर तुमने NaOH डाला, ठीक है? 0.1 मोलर 50 ml HCl लिया, 0.1 मोलर NaOH उठाया, ठीक है? तो एक बात बताओ, कितना NaOH डालूंगा ताकि ये जो है ना पूरी तरह रिएक्ट हो जाए? 50 ml डालना पड़ेगा। पता है क्या, जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो तुम्हारे पास एरर आता है और लीस्ट काउंट आता है एक ड्रॉप का। किसका? एक ड्रॉप का। मतलब अगर 49.9 ml डालूंगा और 50.1 ml, एक ड्रॉप का मतलब होता 0.1 ml, तो उसमें एक लीस्ट काउंट होता 0.1 ml का, ठीक है? हर एक टाइट्रेशन के अंदर इतना लीस्ट काउंट होगा ही होगा, ठीक है? अब एक बताओ, जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अंदर से आवाज तो आएगी नहीं, भाई बस कर, मत डाल, हो गया रिएक्शन, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? अरे मैं कह रहा हूँ, तुमने 50 ml NaOH डाला, तुमको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन पूरा हो गया? HCl तो चीख के नहीं बोलेगा ना कि भाई बस कर, हो गया सब, कलर चेंज करेगा। हाँ, तो वो कलर चेंज कौन करता है सर? इंडिकेटर। हाँ, तो मुझे ना एंड पॉइंट को बताने के लिए इंडिकेटर यूज होता है जो अपना कलर चेंज करते हैं, गेटिंग इट? सो टू फाइंड द एंड पॉइंट, इंडिकेटर्स आर यूज। मेनली दो इंडिकेटर्स हैं तुमको करने ढंग से, एक है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन, ठीक है?
थालीन कहेंगे नहीं सर पहले किया था वो बराबर था क्या क्या सर इसमें जनरली दूसरे सॉल्यूशन का मॉलरिटी फाइंड करते हैं हां दोबारा बोलो हिंदी में सर इसमें जनरली दूसरे सॉल्यूशन का मॉलरिटी फाइंड करना रहता है करेक्ट करेक्ट जनरली जो कोनिकल फ्लास्क होता है ना उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना उसको फाइंड आउट करना पड़ता है अंडरस्टैंड यस चलें शुरू करें ओके अब पता है क्या मैंने तुमको कहा था कि एंड पॉइंट एक ड्रॉप का रहता है किसका रहता है पॉइंट वन पॉइंट वन एक मिनट का पीके वैल्यू देखने दो यार रुक जाओ पीके वैल्यू देने दो है ना फाइन मिथाइल ऑरेंज का पीके वैल्यू है पीके आई एन वैल्यू है और पीके भी बोल सकते हो वैल्यू है 3.4 और मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच रेंज है ना ये है तुम्हारा 3.1 to 4.4 फिनॉप्थिलीन का जो पीके वैल्यू है वो है तुम्हारा 9.4 और जो पीएच रेंज है ना वो तुम्हारा 8 से 10 है गेटिंग इट हेलो यस हाँ सर मिथाइल ऑरेंज रुक जाओ यार मुझे लग रहा था कि डेटा में कुछ एरर है 3.7 है ये एंड फिनॉप्थिलीन सर वो पीके के ऊपर 9.4 8.2 है हाँ क्या कह रहे हो मिथाइल ऑरेंज के उधर पीके के ऊपर क्या लिखा है पीके ए आई एन भी बोल सकते हो उसको क्या कह रहे हो पीके आई एन पीके आई एन सर पीके ऑफ इंडिकेटर पीके ऑफ पीके ए इज इक्वल टू 3.7 है ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ वो भी वही लिखा वही पूछ रहे पीके आई एन पीके आई एन इंडिकेटर ठीक है पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है ठीक है लिख लिया अब मैं तुमको कहा था ना लीस्ट काउंट होता है एक ड्रॉप का कितने ड्रॉप का होता है एक ड्रॉप का है ना सोचना एक चीज को थोड़ा सा क्या पूरा ले लो बेटा ऐसा थोड़ा ना होता टेंशन नहीं सब है अपने पास अरे यार हो गया सर थैंक यू इट्स ओके लिख लिया हाँ सर ओके नाउ लिसन हम क्या कर रहे हैं फाइन ओके नाउ लिसन मैंने क्या कहा एक ड्रॉप का ना एरर होता है मुझे ना एक चीज बताओ मैंने लिया 100 ml ऑफ वाटर कितना 100 ml वाटर के अंदर मैंने एक ड्रॉप 1 molar HCl डाला इस 100 ml वाटर के अंदर मैंने एक ड्रॉप 1 molar NaOH डाला समझ में आई मेरी बात मैंने क्या किया एक ड्रॉप 1 molar HCl डाला और एक ड्रॉप 1 molar NaOH डाला एक ड्रॉप 1 molar का मतलब क्या होगा एक ड्रॉप इज हाउ मेनी एम एल 0.1 ml 1 molar तो कितना मिलीमोल्स हुआ 10 अरे बहुत कैसे बात कर रहे हो
0.1 ml 0.1 ml into 1 is 0.1 millimoles na. देखो मैंने ये पूछा कि ना डायग्राम बनाने के बाद मैंने बोला कि एक ड्रॉप वन मोलर HCl डाल रहा हूँ, एक ड्रॉप वन मोलर NaOH डाल रहा हूँ. एक ड्रॉप का मतलब होता है 0.1 ml. एक ड्रॉप, हाँ ठीक है. तो अगर 0.1 ml डाला तो वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकलता है कि नहीं निकलता? हाँ, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे NaOH के जो मैं डाल रहा हूँ? दोनों का 0.1 है. दोनों का 0.1. तो यहाँ पे जो H प्लस पहले एक 0.1 ml में मूव कर रहा था, वही H प्लस अब 100 ml में मूव करेगा. तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया वो आ जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तुम जब रुक जाते हो ना तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर. OH माइनस कितना है? 0.1 divided by 100. Understood? तो OH माइनस जो नया कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻³ है. H प्लस का 10⁻³ है. तो pH कितना आया? 3. और pOH कितना आया? 3. pOH 3 आ गया तो pH कितना आया? 11. तो एक बात बताओ, मैं सिर्फ एक ड्रॉप HCl की वाटर के अंदर डाल रहा हूँ जिसका इनिशियल pH 7 था, 7 से सडनली pH कितना आ गया? और अगर एक ड्रॉप एक्स्ट्रा पीएच का डालता मैं, ओएच माइनस का डालता वाटर के अंदर, तो कितना पीएच हो जाता? 11. और उसके बाद तुम और डालोगे ना बेस, तो पीएच धीरे धीरे बढ़ता. बट जो पहला चेंज है ना वो बहुत ज्यादा हो. अब खुद सोचो, मैंने ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाया, ठीक है. तो अभी ना इनिशियली जो एसिड था वो कितना था? 0.1 ml, 50 ml, 0.1 molar, 50 ml. ये 0.1 molar मतलब कितना pH होगा इस HCl solution का? बेटा 0.1 molar मतलब कितना pH होगा इस HCl solution का initially? कभी कभार ना मुझे पता क्या लगता है, हाँ सुनो ना, ये तुम्हारा पीएच जो मुझे प्लॉट करना है इधर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे ना मैं NaOH डाल रहा हूँ, 10 ml डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, 40 डाल दिया, 50 पे तुमने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, राइट? यही बोला तुम लोगों ने मुझे, मैं तुम्हारी बात मानी. तो सही किया कि गलत किया? सही किया. सही किया, तो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं. बट चलो ठीक है, देख लो अभी क्या सीन है. अभी जब इनिशियल पीएच HCl सॉल्यूशन का 1 था, कितना था? 1. तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो एक बात सुनो थोड़ा ध्यान से, जब कुछ नहीं डाला था NaOH का तो HCl का pH 1 था, हाँ या ना? हाँ. जब तुमने ना NaOH डालना शुरू किया, ठीक है, जब तुमने 49.9 ml NaOH डाल दिया होगा, तो इस सॉल्यूशन में, ऊपर वाले सॉल्यूशन में 49.9 ml ऑफ NaOH ने 49.9 ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज किया होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ. तो एक ड्रॉप HCl का बच गया होगा, एक ड्रॉप. अगर एक ड्रॉप HCl का बच गया होगा तो मुझे एक चीज बताओ, एक ड्रॉप HCl का pH कितना होता सडनली? 3 के करीब. तो मतलब इतनी मेहनत करते 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 49.9 ml मतलब 50 ml पे आ गया ना, तो 50 ml पे कितना पीएच आ गया तुम्हारे पास इनिशियली? 3. कोई डाउट? मैंने क्या कहा था, टाइट्रेशन में ना एक 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 ड्रॉप का गेम होता है, ठीक है. तो 1 से 3 तक ही पीएच बढ़ा,
जब तक मैं एनिवर्स डाल रहा हूं, उसके बाद एक ड्रॉप और एनिवर्स डालूंगा तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 49.9 ml, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ठीक है, मुझे फील नहीं आई, जब 49.9 ml डाला तो 49.9 ml के साथ रिएक्ट किया होगा, तो 100 ml सॉल्यूशन में ना एक ड्रॉप HCl का बच गया, एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड का बच गया, मतलब pH 3 से 4, तो 3 pH ले लिया मैंने ठीक है। अब एक ड्रॉप NaOH का और डाल दिया 50 ml, 50 ml के साथ पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो सॉल्यूशन सडनली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल होगा तो मतलब एग्जैक्टली कितने, सिर्फ एक ड्रॉप पे, मतलब सारा गेम यहीं पे हो रहा है एक ड्रॉप पे। और एक ड्रॉप एनिवेज का और डाल दिया तो 11 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो ये है ना, ये एक ड्रॉप पहले, एक ड्रॉप पर और एक ड्रॉप एक्स्ट्रा, ये तुम्हारा पीएच रेंज होता है, इसे कहते हैं पीएच रेंज। क्या बोलते हैं? पीएच रेंज नहीं समझा, नहीं फिर से, मतलब पीएच रेंज नहीं समझा। देखो, एक ड्रॉप पहले 3, एक ड्रॉप बाद 7, एक ड्रॉप के बाद 11, तो ये जो ना जो 50 ml के पास हो रहा है, टाइट्रेशन के वक्त हो रहा है, जो पीएच चेंज हो रहा है, सडन पीएच चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो सडन पीएच चेंज को पीएच रेंज कहते हैं। गेटिंग इट? अच्छा, सडन चेंज। और इस पॉइंट को ना जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं? बात समझ में आई? हाँ, अंडरस्टूड। अब सुनो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ना 3.1 के नीचे रेड होता है, क्या होता है? रेड। और 4.4 के ऊपर होता है येलो, क्या होता है? पीला। हाँ, अंग्रेज, रेड येलो राइट। और फिनोप्टिलीन ना, फिनोप्टिलीन 8.2 के नीचे होता है कलरलेस, क्या होता है? और 10 के ऊपर होता है पिंक। इन दोनों के बीच में तुम्हारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि कलर चेंज देख पाए, इसके बीच में तुम्हारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि वो कलर चेंज देख पाए। अंडरस्टूड? कैमरा। तो इसे पीएच रेंज ऑफ क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। कोई डाउट? अब एक बार बताओ, जब फिनोप्टिलीन यूज, मिथाइल ऑरेंज यूज किया इधर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में, तो मिथाइल ऑरेंज रेड है, 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 सडनली यहाँ पे रेड था, तो सडनली क्या हो जाएगा इसी पॉइंट? येलो। हाँ, तो यहाँ मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। सर, उन दोनों के बीच में कलरलेस होता है? नहीं, कलरलेस नहीं होता, कलर्ड होता है, बट तुम्हारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि रेड और येलो के बीच में ना डिफरेंशिएट कर पाए। सर, तो वो ट्रांजिशन स्टेज नहीं समझ पाते ना। हाँ, वो तुम नहीं समझ पाओगे, वो सडन चेंज होना चाहिए, तो उसमें नहीं पता लगता तुमको कौन सा कलर है ठीक है, तो वो जो पीएच रेंज है ना उसमें नहीं कर सकते, उसके नीचे और ऊपर की बात होती है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे फिनोप्टिलीन कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है, सडनली कलर हो गया राइट। हाँ। तो पिंक कलर अटेन कर गए यहाँ पे, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे फिनोप्टिलीन भी अपना कलर चेंज शो कर रहा है और मिथाइल ऑरेंज। गेटिंग इट? हमेशा याद रखना, तुम वही इंडिकेटर यूज कर सकते हो जिसका पीएच रेंज हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के पीएच रेंज के अंदर आ रहा हो, अदरवाइज नहीं। ये फिनोप्टिलीन का पीएच रेंज है और ये मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो दोनों के जो पीएच रेंज है खुद के, वो हमारे बड़े वाले पीएच रेंज के अंदर आ रहे हैं ना। हेलो हेलो। हाँ, तो हम इन सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। ये रुको, ये फिनोप्टिलीन का, ये मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है बेटा? तभी तो कलर चेंज पता लगेगा ना, यहाँ पे रेड रेड होगा, सडनली येलो तभी होगा ना। कंसंट्रेशन चेंज करके
नहीं कर सकते तुम, एक या दो ड्रॉप डालते हो यार इसकी, क्या कंसंट्रेशन चेंज करोगे इसका? इंडिकेटर को अगर ज्यादा यूज करोगे तो रीडिंग्स में एरर आ जाएगा, इंडिकेटर खुद एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा। ओके ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, मजाक थोड़ना। और खुद सोच अगर ये इसके बीच में नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता तो एक होता कहीं यहाँ पे आ रहा होता ये सपोज, तो एक बताओ यहाँ मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज आ रहा होता सपोज, तो यहाँ पे होता रेड 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 रेड, सडनली यहाँ पे येलो हो जाता, तो मुझे तो कलर चेंज इस पॉइंट पे चाहिए ना, जो मुझे बताया न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो क्या मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकता हूँ उस पॉइंट पे? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई कलर इंडिकेटर इस वन एंड टू के बीच में कलर चेंज शो कर रहा है तो क्या मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? मुझे तो ये चाहिए ना इंडिकेटर ये बता दे कि भैया ये वाला पॉइंट आ गया, रिएक्शन खत्म हो गया, प्लीज और एसिड और बेस डालने का कष्ट ना करें, यही होता है ना। तो अगर ये वाला पॉइंट जो है वो तभी आएगा ना जब मेरा इंडिकेटर का खुद का पीएच रेंज और कलर चेंज जो शो करेगा वो इस रेंज के अंदर कलर चेंज शो करेगा। अगर वो इस रेंज के अंदर कलर चेंज शो नहीं करा तो वो बताएगा कैसे कि भाई हो गई रिएक्शन बस कर, है ना? हाँ सर समझे। चलो ग्रेट, टेक केयर, लिख लिया ये? यस सर। ये भी लिख लिया? चैप्टर हो गया? नहीं यार, तो आधे घंटे का रह गया, नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। सर सीधा आइसोमेरिज्म? हाँ क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो बता, नहीं कर सकते सर, आप कर लो। चलो ठीक है, टेक केयर, है ना, बाय गाइस। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। ओके टेक केयर। नहीं अभी कोई लेक्चर नहीं है, टेक केयर।